नमस्कार मतक को स्वागत करुच्छे मो शक्ति साई मिश्र बात्या जवाद को लेकिन बड़ा अपडेट सामना को आसी बड़ा खबर सामना को आसी कि समय तले एसआरसी स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर गणमाध्यम को संबोधन कर सूचना दे कि से कहते जे जो कथा को लेकिन द्वंद्व थिला संचय थिला जे कोठी ए बात्या स्थलभाग को स्पर्श कर से संपर्क एक जदिओ पूरा सठिक ना एक आनुमानिक सूचना दे प्रदीप जेना स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर पूरी जिले में यह स्थलभाग को स्पर्श कर एक एसआरसी पक्षर एवं से आधार सरकार निजर प्रस्तुति कार्य आरंभ कर तो कौन सूचना थी एसआरसी प्रथम आसतु शुणी ने बढ़िया पूर्व भारतीय पाणीपा केन्द्र आकलन अनुसार जो पाथ जाटा रिकर्भिंग कर रिकर्भिंगटा समुद्र भितर थिला बेले रिकर्भिंग कर एवं तार जो गतिपथ भारतीय पाणीपा केन्द्र देखा ताहा आमर ओडिशार उपकूल को छुईबार संभावना अच्छी जहाँ जमापड़ पाथ्रु ता पुरी जिलार कौन सी एक स्थान छुईपा स्थलभाग छुईपापे स्थलभाग अल्प पशि पुणी समुद्र भितर को बाहरी जहाँ जमापड़ लैंडफल बेलू तार बेग पवन रेग रखापाखि 90 किलोमीटर रु 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर पाखापाखि र गस्टिंग टू 100 किलोमीटर हो पाए एवं तापर लैंडफल पर तार बेग कम आरंभ हम एवं लैंडफल समय जदि एक्जाक्टली ये कर तेज 4 तारीख सन्धार 5 तारीख सका भितर लैंडफल हम वर्तमान पर्यंत से बहुत द्रुत बेगर आग को बढ़ुला तेज या तार जो आग को बढ़िबार जो हारटा टिके स्लो हो पाए तेणु आकलन अनुसार ता 4 तारीख सन्धार 5 तारीख सका भितर स्थलभाग छुईब जदि आउ टे अधिक राइट रिकर्भिंग करे ताले आम स्थलभाग न छुईले भी स्थलभाग पाखापाखि आम उपकूल पाखापाखि सी पारल होबार संभावना उठी पारे तेणु जहाँ भी तार प्रभाव में आमर गंजाम जिला पुरी खोर्धा जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा यही जिला गुड़िकारे तार प्रभाव अधिक अन्य जिला मानक तार प्रभाव टी कम अधिक रतल मुझे तार अर्थ हूँ पवन रेग आम जो लैंडफल बेले 90 किलोमीटर हम ताकू हिसाब करके आम धरतु गंजाम खोर्धा केन्द्रापड़ा कटक यही जिला मानक आम एक्सपेक्ट कर 60 रु 80 किलोमीटर भेतर बेग पवन बहब एवं पुरी जिला एवं जगत सिंहपुर जिले में सीटा 90 किलोमीटर रहा गस्टिंग विंड 100 किलोमीटर घंटा प्रति हो पाए यहाँ हूँ आमर आर्षा या सांगे प्रबल वर्षा रारिख आफ्टरनून थारध्यरि परसा हो पाए तेज आसंता का बर्षा जोर हेबार संभावना अच्छी गंजाम गजपति जगत सिंहपुर पुरी एवं खोर्धार अंशविशेष यही जगह अधिक वर्षा हेबो एवं अन्य जिला मानक आम जो कोस्टल जिला गुड़िक अच्छे सब जिले में मध्यम धरण वर्षा हो पाए तो पुरी निकट स्थलभाग को स्पर्श कर पारे बात्या जवाद एक सूचना दौले एसआरसी ए संभावना रही एक संभावना रही पुरी जितेबले रिकर्भिंग कर जो बात्या एवं सेतेबले पुरी निकट देखी ता समुद्र भितर अतिक्रम करिपे ओडिशा सीमा को तो यह संपर्क में अधिक अपडेट ना आवश्यक तो जोड़ी होती पाणीपाग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक डॉक्टर पशुपालक जो भाई भाव में गत काली आम लगातार 2 दिन धरी आपंकर अपडेट नौलु आपणकर जहाँ आकलन थिला एवं पाखापाखी से आकलन ही जहाँ आसूची आईएमडी एवं पुरी निकटे यह लैंडफल हुए तो करें और जदि भी लैंडफल नकला पुरी निकट देक समुद्र भितर ता आगे को बढ़ी पाए एक कहु तो बर्तमान आपणकर आकलन कौन कौच देखो मध्यु सी बुले आरंभ करोचुरिंग कला सब स्लो होता गाड़ी मटर कला बुलाऊे यूटर्न कर स्लो हूँ स्लो हो या परे परे कल सकाल पुणी पिकअप कर स्पीडा पिकअप कर आज सका प्राय 18 किलोमीटर बेगे जाऊ गति 800 होता
ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ଆମର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ମୋତେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାବନା ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସୌଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁରୀ ଛୁଇଁବ, ସେ ତ ଅଶ୍ୱରଙ୍ଗ ଗୋପ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ତା ଧସେଇକି ଯାଇପାରେ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା କିଛି ଲେଫ୍ଟରେ ଗଲେ ପୁରୀ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରିବ, ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାରିକି ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଯାଇକି ଅଶ୍ୱରଙ୍ଗ ଯିବ। ତା ସହିତ ପ୍ରାୟ 70 ବା 100 ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଛି, ଯାହା ଜାଣିବ ଆଜି ରାତି କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସେଠି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ୟୁଏସ୍ ନେଭି ଯାହା କହୁଥିଲା କି ସକାଳେ 5:30 ସେ ଅଲରେଡି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ୟୁଏସ୍ ନେଭି ଆଜି କହୁଛି, ତାର ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ସକାଳ 8:30 ରିପୋର୍ଟରେ। ତେଣୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯାଉଛି, ପବନ ବେଗ ଯାହାକି ବେଳେ ସିରିୟସ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍, ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ 80 ରହିବ, 70-80 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ କହିବା ସୌଭାଗ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁବ ସେଟା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଉଛି ବା ସରି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଛି ସେତେ ପବନ 40-45 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଏପଟେ ରହିବ ଆମର 70 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡ ରହିବ, ଗଞ୍ଜାମର ବିଶ୍ୱ ରହିବ ପବନ 60-70 କିଲୋମିଟର ରହିପାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମାନେ ୱାର୍ଷ୍ଟ ସିନାରିଓ। ଆଉ ବେଷ୍ଟ ସିନାରିଓ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଉପକୂଳର ସମାନ୍ତର କେତେ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାହା କହୁଥିଲୁ, ଯଦି ଟିକେ ବେଶୀ ଦୂରେ ଯିବ ତାହେଲେ ପବନ କମିଯିବ 60 ଭିତରେ ରହିବ, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଲାକୁ ଆଉ ଟିକେ କମିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଲା ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ ବର୍ଷା 90 ମିଲିମିଟର ବା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ 100 ହେଇପାରେ। ଯଦି ଉପକୂଳ ଦୂରରେ ଛୁଇଁଲା ତାହେଲେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିଯିବ, ସେ 90 ଭିତରେ ରହିବ ସମୁଦାୟ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପ୍ରକୋପ ଟିକେ 5:40 ପଡ଼ିବ। ଆମେ କହିବା କି 4:00 ସକାଳୁ 5:00 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ବର୍ଷା, ଆମେ କହିବା କି 30 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ରହିବ। ଆଉ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପୁରୀ ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲେ ଯେ 4 ତାରିଖରେ ଯଦି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି, 4 ତାରିଖରେ ଛୁଇଁପାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ, ତ ସେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ବା ସେ ଆକଳନ ଆଉ ଟିକେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯଦି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ତା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି 5 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଛୁଇଁବ, 5 ସକାଳେ ଯାହାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ପୁରୀ ଯଦି ଛୁଇଁବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଟର୍ଣ୍ଣିଂ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ, ତେଣୁ 5 ହେବ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଆମର ଆମେ କହିବା କି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରୁ ଦୂରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଗଟା, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗଟା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାର ପବନ ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ, ବର୍ଷା ବି ଅଧିକ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ 4:00, କିନ୍ତୁ ପବନ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ଦଳ ସେଟା 5 ସକାଳେ, 5 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ରାତିରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ, ଉପକୂଳରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିଛି ହଲକା ବର୍ଷା ହେବ, ସତ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ସେଇ ବର୍ଷାଟା ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମ ନାହିଁ, ସେଟା ପୁଣି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାଠୁ ନେଇକିରି ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ଆଜିଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଜି ରାତିଠୁ, କିନ୍ତୁ ହାଲକା ବର୍ଷା ସତ ବର୍ଷା ଆଜି ହେବ, 4 ବର୍ଷା ବେଶୀ ଅଛି, 5 ତାଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ, ଯଦି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଁ କି ନ ଛୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ଏହାର ରହିବ? ପୁରୀ ଯଦି ସ୍ଥଳଭାଗ ନ ଛୁଇଁବ ତାହେଲେ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯଦି ପୁରୀ ଯଦି ଛୁଇଁବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଦେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା କି ଗଞ୍ଜାମର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଚିଲିକା ଫିଲିକା ଖଲିକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ନେଇକି ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଏବଂ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ଆସିବ, ଆଉ ଆଉ 4 ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ଭଦ୍ରକ ବି ଆସିବ, ବାଲେଶ୍ୱର ବି ଆସିବ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ, କେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକଳନ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ଯେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଁଛି ନା ସ୍ଥଳଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦେଇକି ତା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ? ୟୁଏସ୍ ନେଭି ତ ଅଲରେଡି କହିଛି, ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଁକି ପୁରୀ ଦେଇଯାଉଛି ବୋଲି ୟୁଏସ୍ ନେଭିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରକାର କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ସେ ଦେଖାଉନି ଯେ ପୁରୀ ଛୁଆଁ ଦେଖୁନଥିଲା ସକାଳର ଇଏରେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା କି ଆଜି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ଲାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉଠି ସେ ସଭାର ଛୁଆଁର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜବାଦକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ଏବଂ 2 ଆକଳନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି,
पूरी जिले यह स्थलभाग स्पर्श करें कि समुद्र भितर दे आगक जापे जदि समुद्र भितर दे आगक बढ़ुच्ची तेल ओडापी निश्चित रूप गोटे आश्वस्तिकर खबर यहाँ कह जापे पवन रेग बहुत कमिज कि बर्षार परिमाण रवन रेग जदि अधिक रोचे तेल क्षय क्षति अधिक रंग पवन बेग कमिले क्षय क्षतिर निश्चित रूपे कम रही गोटे आश्वस्तिर खबर कितु दुईट भिन्न भिन्न तथ्य आसूरी भारतीय पापाग विभाग और यूएस नाभी यूएस नाभीर तथ्य कहे बात्यार रूपातरित हो सारा जवाद धीरे धीरे ताकूल आड़क बढ़ुची किंतु भारतीय पापाग विभाग वर्तमान पर्यंत तार जहाँ आकलन थी तार लाटेस्ट जहाँ अपडेट थी से आधार में सविशेष अपडेट आधार रे जे वर्तमान ता गभीर अवपात में परिणत होई छे बात्यार रूप नवाक जाऊँ स्वप्नांजलि महांती आम प्रतिनिधि जोड़ी होती पुरी रु आलोक आशुतोष आम प्रतिनिधि अच्छा स्वप्नांजलि जो भाई भाव में एसआरसी सूचना दौले पुरी निकट में लैंडफल करें तो से दृष्टि सरकार प्रस्तुति एवं बात्यार भयावहता संपर्क में कौन कहले एसआरसी देखो शक्ति साई जो भाव में समस्त गोटे आशा आशंका भितर थिले जे जो बात्या जवाद आसा क्षतिग्रस्त हो पारे एवं जदिओ एपर्यंत जहाँ एसआरसी सूचना थी एपर्यंत बात्यार चित्र स्पष्ट हो पारिना किंतु आगामी जो 4 तारीख संध्यारु 5 तारीख सकाळ पर्यंत ओडिशापाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण समय और संगीन समय बोली कहीपर कहीं जो लघुचाप सृष्टि होता वर्तमान ता धीरे धीरे अवपात रूप नौचे धीरे धीरे ता बात्या आड़क गति कर प्रेस बृत्ति जहाँ जारी करते वर्तमान एसआरसी जो जवाद आसुचा जो बात्या स्पष्ट एपर्त चिह्नित हो पारिना किंतु यह समुद्र कूलवर्ती अर्थात आमपर जे पुरी निकटवर्ती अंचल बॉर्डर एरिया बा समुद्र उपकूलवर्ती अंचल यह लैंडफल करदिओ यह लैंडफल नक पारालाल होकर जापे एभली एक स्पष्ट सूचना एपर्तंत एसआरसी जारी करते प्रभाव में राज्य में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हबार संभावना रही जो बात्या प्रभाव में वर्षा हे ता 90 रु 100 किलोमीटर हाराहारी पवन रेग रि कह केन्द्रापड़ा खोर्धा जगत सिंहपुर ये तमाम अंचल सहित गंजाम गजपति अधिक रु अधिक वर्षा हो पारे और रेड वार्निंग जारी कराई सब बड़ गुरुत्वपूर्ण विषय होती जदि यह पुरी में लैंडफल करुच्ची आगामी 2 दिन पर्यंत जो मत्स्यजीवी माने रही समुद्र भितर को जीवा मना रही साधारण जो लोक माने रही कौली भाव में ये गंजाम गजपति कटक जगत सिंहपुर खोर्धा ये सब अंचल बाहर बुलाबूली न करेंगे कहीं आसंता काली अपराह्नर पवन रेग धीरे धीरे बढ़ पर्यंत जहाँ सूचना रही 60 रु 80 किलोमीटर बेगर पवन आसंता काली बह गुरुत्वपूर्ण विषय हो संध्या 4 तारीख संध्या 5 तारीख सका पर्यंत पूरा स्पष्ट चिन्ह ओडिशार बात्या संपर्क में आसपे ओके स्वप्नांजलि मुझ आसी परवर्ती समय आपको स्वप्नांजलि महांती प्रतिनिधि सूचना दौले एसआरसी सूचना आधार में कि भाव में बात्यार जेहेतु तार दिग बदलू वर्तमान जो कथा कहला ता गोपालपुर निकट में हुए तो स्थलभाग स्पर्श करें वर्तमान पुरी निकट स्थलभाग स्पर्श करें सूचना आसूरी और से आधार में सरकार और प्रशासन निजर प्रस्तुति को आहरी जोरदार करो कथा सूचना दौले एसआरसी आम सहित जोड़ी होती आलोक आशुतोष पुरी रु आम प्रतिनिधि और पीतांबर नायक ब्रह्मपुर जोड़ी होती आलोक प्रथम आपण पाखु जावाक चाहिए पुरी निकट में स्थलभाग स्पर्श करें एक कथा जहाँ एसआरसी सूचना दौले ए संभावना ए आशंका रही तो से दृष्टि पुरी प्रति अधिक विपद बात्या जवादु तो ताकू कि वर्तमान पुरी जिला प्रशासन पक्षर किभली प्रस्तुति आरंभ हो निहाती भाव में देखो शक्ति से बंगोपसगर सृष्ट लघुचाप वर्तमान गत काली अवपात में परिणत होगा पर यह गभीर अवपात आड़क मुह हो बात्यार रूपरेख नहीं पारे किंतु बड़ कथा हूँ एसआरसी जो भाव में कहले पुरी जिलार कौन गोटे उपकूलवर्ती स्थान में यह लैंडफल करें तो निश्चित भाव में जदि लैंडफल पुरी जिलार कौन उपकूलवर्ती अंचल शक्तिशाली करुँच तो पवन रेग निहाती भाव में घंटा प्रति 90 रु 100 किलोमीटर भितर रही है आकलन करूँ या कि पुरी जिला प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुत रही विशेषकर आप देखते पुरी जिलार जो समुद्र उपकूलवर्ती स्थान गुड़िक रही है पुरी सहर कथ कह पुरी सहर में आम बर्तमान जो अच्छा पेंठकटार गोटे बृहत बस्ती रही
पूरी बलियापंडा एवं यह सहित पूरी जिलार जो निमापड़ा हो अस्तरंग हो काकटपुर हो ब्रह्मगिरी हो कृष्णप्रसाद हो जो गुड़िक समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रही सेठार लोक किभली भाव युद्धकालीन भित्ति में कच्चा घर जेहेतु से कच्चा घर रोचे युद्धकालीन भित्ति में किभली भाव में बात्या आश्रयस्थल को स्थानांतरित हो प्रति जिलार प्रतिपर प्रति सरपंच मान निर्देश दी पंचायत गृहगुड़िक बात्या आश्रयस्थल भाव व्यवहार करने को किभली भाव शुखिला खाद्य ठार आरंभ कर रंधा खाद्य व्यापक परिमाण में मेडिसीन रखा जाए पार गृहपालित पशु मैंने किभली भाव इवाकुएट हो पारे और चाषी मैंने जो धान अमल करके भाव सुरक्षित जगह को नहीं पारे और बात्या परवर्त अवस्था आप जानते बात्या परवर्त अवस्था जिते बड़े वर्षार परिमाण आप कौन निहत भाव में तीन तारिख कि चार तारिख ठूँ वर्षार परिमाण बढ़ा जहाँ पापा विभाग कौन निहत भाव में वर्षार परिमाण बढ़े गोटे बना परिस्थिति सृष्टि होवर मैं आशंका रही तो से स्वेरेज विभाग ड्रेनेज विभाग आरंभ कर समस्त विभाग सहित जिलापा घन घन बैठक करते कि समय पूर्व शक्तिशाही आमको जिलापा प्रतिक्रिया देते पाखापाखि गोटी एनडीआरएफ प्लाटून एनडीआरएफ गोटे प्लाटून टीम बर्तमान पूरी में आसी पहुंची ओड्राफ टीम आसिशम विभाग संपूर्ण रूप महजूद रही कारण देखो जदि पवन लगातार है जब लैंडफल पूरी कौन निकट अंचल है तेज स्वाभाविक कथा पवन रेग निहाती भाव में घंटा प्रति 90-100 किलोमीटर बेगर भयव तो निश्चित भाव में इलेक्ट्रिक तार ठार आरंभ कर व्यापक परिमाण में क्षयति होवार आशंका रही तो से ओड्राफ टीम को संपूर्ण मुतयन किभली भाव में इवाकुएट किभली भाव में युद्धकालीन भितर रास्ताघाट आरंभ कर सबकि परिष्कार निहती भाव में अंपटे जो कच्चा घर गुड़िक रही किभली भाव में सुरखुरी में लोक मैंने स्थानांतरित हो पारे और जीरो कैजुआल्टी पर प्रशासन शक्तिशाली ध्यान देती सब बड़ कथा हो जो बात्या आश्रयस्थल गुड़ी लोक मैंने स्थानांतरित हे से किभली भाव सामाजिक दूरत्व बजाय रहा सेठे किभली भाव कड़ाकड़ी कोविड कटक पालन कर मास्क किभली भाव बंटन करशासन व्यापक रूप ध्यान देती जिला प्रशासन बहुत वर्तमान दायित्व बढ़ी जाएगी कारण जदि सेठारे लैंडफॉल करुच्ची स्थलभाग स्पर्श करुच्ची बात्या तो पूरी जिलार सर्वाधिक प्रभाव देखा मिले तो से पूरी जिला प्रशासन पर गोटे बड़ चैलेंज वर्तमान किभली भाव में लोक सुरक्षित रखा जाई पार जीरो काजुआल्टी किभली भाव कर तो मुझे आसवि आलोक वर्तमान पीतांबर नायक आम प्रतिनिधि गोपालपुर जोड़ी होती आम सहित पीतांबर गंजाम किटा आश्वस्तिर विषय हो पाए कारण गोपालपुर निकट में लैंडफॉल नहीं कि पूर्व जो आकलन कराला वर्तमान पूरी निकट में लैंडफॉल करपे एक कहा तो गंजाम उपरे प्रभाव रदिओ वर्षार परिमाण पवन परिमाण किंतु सेते अधिक रही जो भली भाव में पूर्व आकलन कराला किंतु जिला प्रशासन को सतर्क रहा पड़ तो से दृष्टि प्रस्तुति कार्य आरंभ है कि लोक मान सतर्क करागला कि बात्या आश्रयस्थल गुड़ी प्रस्तुति रखाला कि सही निश्चित भाव आम जमीक गत काली आलोचना करूली एवं आज कि सूचना आसूची जो भाई भाव में पूरी जिले में जितेबाला लैंडफॉल कर तेब निश्चित भाव गंजाम जिलार विशेष भाव खल्लिकोट ब्लॉक कथा कह गोपालपुर से हीपट अंचल छत्रपुर गंजा हुमा खल्लिकोट यह सब अंचल प्रभावित हो पारे या कि वर्तमान गंजाम जिला को एनडीआरएफ कथा कह ओड्राफ कथा कहवा एमती कि जो भाव में प्रत्येक गोटे पर गोटे टीम आसिक पहुँचुच्च मो पाखे जहाँ डाटा अच्छे गंजाम को ओड्राफ टीम 9 टीम एवं जो भाव में एनडीआरएफ 6 टीम ता सहित फायर टीम 30 समुदाय 45 टीम आसवर योजना रही से पखापाखि 30 रु अर्ध टीम आसिक पहुँची सारे अर्थात जिला प्रशासन पाखे से मैंने आसिक पहुँची सारी एवं जिला प्रशासन जो जो अंचल को निर्देश देव अर्थात आसंता काली हेत से मुव करपारती जिलार विभिन्न ब्लक को विशेष भाव गंजाम जिला जदि पवन रेग जदिओ अधिक मात्रा न हुए जदि वर्षार परिमाण भी बढ़े आपत जानते ऋषिकुल्या नदी जो भाव में पूर्व लघुचाप जनित वर्षा होती ऋषिकुल्या नदी काले क्योंठी मुहाण खोल जापे ए सबू गोटे बड़ समस्या सृष्टि हो पाए आशीकूल बेस प्रभावित हो पारती अंपटे पात्रपुर ब्लक कथा कह जगन्नाथ प्रसाद ब्लक कथा कह जो पहाड़िया अंचल रही अर्थात गजपति गंजाम सीमांत जमीती दुई दिन तीन दिन लघुचाप जनित वर्षार जमी पहाड़ धसीजार चित्र आसी गंजाम गजपति बॉर्डर तो यही चित्र सामना को आसी पड़े तो या कि स्थानांतरण प्रक्रिया आप जमी मत प्रश्न करते जो स्थानांतरण प्रक्रिया को कमी त्वरान्वित हो तो गत काली जिते बड़े आम जिलापा प्रतिक्रिया आणुलू से कहते जो भाव में स्पष्ट सूचना आसब जे केउंठी लैंडफॉल करिबो ताकु नेकि केते पवन रहिबो आम जिलार केउ ब्लॉक रे केते प्रभावित हेबो ता निश्चित भाबे स्पष्ट होई जिवो ता परवर्ती समय रे एक्शन प्लान प्रस्तुत करा जाय कि लोकंकु वर्तमान सतर्क निर्दिष्ट सूचना को अपेक्षा करछि जिला प्रशासन एवं से आधार रे स्थानांतरण करा जिवो लोकमानन को सुरक्षित स्थान को नेया जिवो
पीतांबर नायक आम प्रतिनिधि गंजाम स्थिति संपर्क में सूचना दूसरे दिल्ली रु आम प्रतिनिधि गगन विश्वाल जोड़ी होती गगन तेरे गगन पाखु जा पूर्व प्रथम जा अग्निशम विभाग जो रही भुवनेश्वर एवं सेठी अच्छा आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र प्रदीप्त पुरी में जदि स्थलभाग स्पर्श करुच्छी खोर्धा जिला और भुवनेश्वर उपर यार प्रभाव रहिब तो से दृष्टि अग्निशम विभाग किभली भाव में प्रस्तुत रही कारण से गुरुत्वपूर्ण भूमिका थाए बात्या समय उधार कार्य मैंने कहे तेना आम अलरेडी प्रिपेरेसन अच्छा फर्स्ट एड कार्य दर्शक भी अपेक्षा कर संक्षिप्त में कहना चाहिए कि क्यों मेसीन गुड़िक क्यों कैमेरे सब लगी था जो सब मेसीन हाँ ये हूँ आम चेन से कटर ये गच काटा कार्यपाई कम करें कौन सी जगह जो पथर पथर कंक्रीट फंक्रीट कौन सी जिनस असुविधा है गाड़ी मटर जाइन पारा लोक मैंने हराण होती आम कंक्रीट कटर साहब काटिकी करूँ जो रोप लाइन दरकार पा अत्यधिक हेल्ले कि गच्छ कटा समय रोप्र आवश्यकता पड़ी था तेणु बोट्र आवश्यकता अच्छी तेणु बोट पर आम लाइफ बॉय लाइफ जैकेट बादी में भासीगले लोक उधार कार्य करवाई ये आम ओबीएम लगे बोट अलरेडी गाड़ी में आवेलेबल अच्छी बोट गाड़ी में आवेलेबल लोड हो पूरा फुल प्रेसर प्रेसर दिया दिखाई अलरेडी रही ये खाली फ्यूल लगे तो गाड़ी चलो किसी असुविधा नहीं नदी ना लोक मानक बोट उद्धार करने जगह ये हूँ पार्फेक्ट आक्सीडेट केस है कि कौन से प्रकार गाड़ी कौटी आक्सीडेट हो फसीगले लोक मैंने रहीगले से आम पार्फेक्ट स्प्रे चेन सैज कटर स्प्रेडर रामजैक इत्यादि कराइव कूप पोखरी पड़गले आम अंडर वाटर बी सेट साहर बस लोक उद्धार कार्य करूँ हाँ ये हूँ पंप रेडी रही है डी वाटरिंग सेट पर डी वाटरिंग कौन जगह पा जमीगले लोक जातायात असुविधा हुए तो डी वाटरिंग करने पंप अलरेडी आम दस टी पंप एटी रेडी रही सब सदा सर्वदा धन्यवाद आम आलोचना करुले मुख्य आग्नेय आम सहित उपस्थित थे कल्पना स्थित जो अग्निशम कार्यालय रही आपण जो दृश्य बर्तमान देखुले विभिन्न प्रकार जंत्रपाति नहीं कि अग्निशम कर्मचारी मैंने प्रस्तुत होकर जगह को जवाई सरकार पक्ष निर्देश आसव लोक मैंने जो फसी रही थे कि लोक उद्धार कर आवश्यकता थी से सीधासख से जगह को जी और लोक जीवन बचेबे भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन हेमंत प्रदीप्त महापात्र अर्गस न्यूज। ओके तो ये अग्निशम विभाग प्रस्तुति संपर्क में आप देखुले प्रदीप्त महापात्र आम प्रतिनिधि अग्निशम अधिकारी सहित कथ होते पुणी थे आलोक आशुतोष फेर चाहिए आलोक तो वर्तमान पुरी जिला प्रशासन किसी प्रस्तुति आरंभ कला कि जे जो जो गुड़िक रही तलिया अंचल तो से लोक मेमती स्थानातर करत्या आश्रयस्थल गुड़ी प्रस्तुत रखाला पुरी देखो शक्ति से पूरी जिले में जितेक प्रमुख बात्या आश्रयस्थल गुड़िक अच्छी से गुड़िक सब प्रस्तुत हो रही बड़ कथ हूँ डाकबाजी जंत्र द्वारा पूरी जिले में व्यापक सचेतन करत्या जिते बड़े आसब आपने सांगे सांगे बात्या आश्रयस्थल को आसतु और बर्तमान लाटेस्ट अपडेट आस शक्ति साई पहुँचुच्छे ओड्राफ्र गोटे टीम आसी पूरी में बर्तमान पहुंची और ये जिते बात्या परवर्त समय जो रास्ताघाट जो पवन परिमाण बढ़ निश्चित भाव रास्ताघाट में गच इलेक्ट्रिक तार सब पड़ी जाम होबार चान्स रही तो युद्ध कालन भितर केवल क्लियर करीम एनडीआरएफ टीम व्यापक परिमाण में महजूद अच्छा आसिक पूरी में बर्तमान पहुंची सारे कि बड़ कथा हूँ जो पूरी जिलार जो तलिया अंचल कृष्ण प्रसाद हो कि काकटपुर निमापड़ा अस्तरंग हो कि पूरी जो बृहत्काय बस्ती पेठकटा कि बलियापंडा हो जहाँकि समुद्र पाखापाखी रही किभली भाव लोक युद्ध कालन भितर स्थानांतरित होता हूँ प्रशासन गोटे बड़ चैलेंज पलट कहीं आप जानते जमी सूचना एसआरसी दूसरे पूरी जिलार निर्दिष्ट कौन स्थान में लैंडफल करें जो आशंका रही दृष्टि रखिकी प्रशासन गोटे बड़ चैलेंज रहा है कारण समुद्र कूलवर्त समुद्र स्थिति कितु बर्तमान जब आम शक्तिशाली कह समुद्र स्थिति संपूर्ण रूपए शांत रही कि बात्या लैंडफल कर समुद्र स्थिति अशांत हो पाए कि झड़ पूर्व निरवता ये कहुपर बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सूचनापाई पीतांबर आपन को बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्नांजलि महांती प्रतिनिधि थे बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुरी जिला निकट स्थलभाग स्पर्श कर पाए एक आकलन कर एसआरसी जो कथा सूचना देते एवं एकता मध्य जदि पुरी स्थलभाग स्पर्श नकला समुद्र भितर दे ओडिशा उपकूल देकी ता आगु को बढ़ी पारे एवं से क्षेत्र में बात्यार प्रकोप कमिबो। तो अधिक अपडेट जितेबले आज दिन गोटाए समय रही आईएमडी डीजींकर फ्रेश मीट एवं सेथिरे अधिक सूचना सामना को आसी पारिबो अर्गस न्यूज मध्य ता आपनको पाखरे पहुंचे किंतु वर्तमान पई मत को एठ रखिबा नमस्कार।